एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल यूनिवर्स इज यूनिक आज है थर्सडे में फोर इंग्लिश वोबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज बैरबल बी ई ए आर ए बी एल ई बैरबल का मीनिंग होता है दैट यू कैन एक्सेप्ट और डील विद ऑल दो अनप्लेजेंट सहन करने योग्य सहनीय केपेबल ऑफ बींग बॉर्न और एंड टॉलरेबल सहनीय सहने योग्य सो बैरेबल का क्या मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कि सहन करने योग्य है कोई चीज़ हो सकती है कोई पर्सन हो सकता है या किसी का व्यवहार कोई भी ऐसी चीज़ है जो सहनीय है सहन योग्य है सहन करने योग्य सो से इंग्लिश में कहते हैं बैरेबल सो नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऑफ बैरेबल आर टॉलरेबल एक्सेप्टेबल एंड एंडबल Antonyms of bearable are unbearable and intolerable. example sentences. First sentence is when you are surrounded by people you love and people that love you, the hardships of life become more bearable. So इस sentence का meaning है कि जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको आप प्यार करते हैं और जो लोग आपको प्यार करते हैं तो जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो और भी सहनी मतलब अच्छे सही से सहन की जा सकती हैं सेंटेंस so, का मीनिंग है कि जब आपकी लाइफ में आपके आस पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्यार करते हैं और जिनको आप प्यार करते हो तो जीवन की कठिनाइयाँ जो हैं वो सहन योग्य हो जाती हैं उनको आसानी से सहन कर लिया जाता है एंड सेकेंड सेंटेंस इज़ ही इज इन ग्रेट डील ऑफ पेन बट द मेडिकेशन मेक्स इट बैरेबल सो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह बहुत ही दर्द में था लेकिन मेडिकेशन की वजह से वह दर्द सहनीय हो गया सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप कि आपको आज का इंग्लिश वैकेबलरी वर्ड ऑफ द डे बैरेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका हिंदी मीनिंग है सहनीय सहन करने योग्य जिसे सहन किया जा सके सो so, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक टू लर्न इंग्लिश एवरी डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग